क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में शुक्रवार को वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में 27 रन देकर 4 विकेट लेने वाले ओशेन थॉमस मैन ऑफ द मैच रहे। नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज मैदान में शुक्रवार को क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा मैच वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेला गया। मैच में टॉस वेस्टइंडीज ने जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और पूरी टीम सिर्फ 21.4 ओवर्स में 105 रन पर ऑल आउट हो गई और वेस्टइंडीज को जीत के लिए 106 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान की तरफ से फकर जमान और बाबर आजम ने 22-22 रन बनाए, जबकि 7 बल्लेबाज 10 रन भी नहीं पार कर पाए। गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की तरफ से ओशेन थॉमस ने 4 और जेसन होल्डर ने 3 विकेट लिए। पाकिस्तान से मिले 106 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत काफी मजबूत रही और वेस्टइंडीज ने 13.4 ओवर्स में 106 रन का टारगेट 3 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया और 7 विकेट से मैच जीत लिया। वेस्टइंडीज की तरफ से क्रिस गेल ने तूफानी पारी खेली। गेल ने 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 34 गेंद पर 50 रन बनाए। गेंदबाजी में पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आमिर ने 3 विकेट लिए। मैच में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज की तरफ से 5.4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लेने वाले ओशेन थॉमस मैन ऑफ द मैच रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।